हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप काश लोग? प्रारंभ हो गया है। आज बहुत सुबह सुबह तो नहीं है, लेकिन हाँ कितना बजा है? 8:30। 8:30 बजने के साथ सारे काम भी हो गए हैं। देखिए, धूप का आगमन हो गया है, मेरे काम सारे हो गए हैं। अब मैं चाय बैठ के पीऊँगी और मोबाइल चलेगा। आज संडे है, फिर मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। बच्चों को जाना नहीं होता है तो नहीं तो इतने समय सारा काम फिनिश हो जाता है। चलिए चाय पीते हैं। चाय पी लूँ फिर मिलती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आइए दिखाते हैं। मैंने करवा चौथ की चौक रखी थी, ये ज़रूरी होती है। नीचे हालांकि रखते थे, पेड़ और स्टार्स ऊपर बना देते थे, क्योंकि वहाँ पे अपना टिका देते थे करवा और चंद्रमा को निहारते रहते थे। अब आए चंद्र देवता तो उनको पूजन करूँ, अब आए चंद्र देवता तो फिर चंद्र देवता तो वेट कराते ही कराते हैं, सबका टाइम होता है अपना अपना। तो बारिश की बूंदें एक आधा ही, तो मैंने कहा मैं ऊपर ही बनाती हूँ, नीचे कहीं गीला हीला होगा, बैठते बनेगा नहीं, खड़े खड़े अपना पूजा कर लेंगे। खड़े खड़े वैसे भी करते हैं, बैठ के तो अंदर ही पूजा कर जाते हैं। आइए, बाहर ऊपर गई थी दरवाज़ा खोलने और फिर लगे हाथ, फिर ऊपर नीचे करते रहिए। ऊपर पहले दरवाज़ा ये सब करिए, फिर नीचे नहा धो के थोड़ा सा खाने का इंतज़ाम करिए, नाश्ता, फिर ऊपर पहुँची। अब जा रही हूँ पूजा करने। आई झाड़ू पोछा, गेट पे पानी डालना तो सब पहले ही हो गया था। अब चलिए मेरे साथ पूजा करने। गई रेडी, चल रही हूँ पूजा करने। पूजा करके हम सोया मेथी छौंक आई हूँ और आलू प्याज छील के रख दिया है। फिर चल के बनाऊंगी दूसरे के लिए। दोनों अपोजिट हैं टेस्ट में। विचारों में तो बिल्कुल अपोजिट नहीं है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल अपोजिट हैं। तो है, मेरे घर में पहले भी थे देवर और हस्बैंड, अलग अलग टेस्ट था, एक सूखी एक ग्रेवी। वैसे इनका भी ग्रेवी में भी अलग टेस्ट है, सूखी में भी। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, इंतज़ाम करके रखा है, अब कर लूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। चंदन, चंदन का बहुत बड़ा महत्व है। सुगंधित चंदन की मांग पूरी दुनिया में है, खासकर भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई चंदन दुनिया के बाजार में खास स्थान है। गुड़ों में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई चंदन के समकक्ष ना होने की वजह से हवाई के चंदन का अब तक कोई मार्केट नहीं बन सका। भारत में चंदन के पेड़ सरकार की संपत्ति हैं और इनको अधिक से अधिक उगाने लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार कानूनों में सुधार लाकर निजी तौर पर चंदन के पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। चंदन के पेड़ पर्यावरण को सुखद बनाते हैं। चंदन की लकड़ी पर नक्काशी भारत की पुरानी हस्तकला। चंदन का पाउडर खुशबू के लिए प्रयोग में लाया जाता है। खुशबू के लिए इसका प्रयोग एशिया के कई हिस्सों में होता है। भारत में चंदन का पेस्ट बहुत ही पवित्र माना जाता है और चंदन की लकड़ी पर नक्काशी का काम शताब्दियों से होता आया है। पुराने राजाओं से मिलने वाले संरक्षण की वजह से चंदन की लकड़ी पर नक्काशी के काम की हस्तकला खूब फली फूली। Thank you.
पीढ़ी इसका व्यापार होने लगा। आज उन्हीं के वंशजों की बदौलत ये कला अब तक जिंदा है। परंपरागत रूप से चंदन की लकड़ी की भारत में 20 से ज़्यादा वैरायटी है। मैसूर में सबसे ज़्यादा चंदन के पेड़ की वैरायटी है, वहाँ पे पाई जाती है, और यह चंदन की लकड़ी पर कार्विंग के काम का केंद्र है। त्रिवेंद्रम दक्षिण भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ चंदन की लकड़ी पर कार्विंग होती है। उत्तर भारत में जयपुर चंदन पर नक्काशीदार काम के लिए मशहूर है। चंदन का खुशबू के लिए भारत और चीन बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। पारसियों के यहाँ इसको मंदिरों में आहुति दी जाती है पूजा के समय, और हिंदू में मृत व्यक्ति के ऊपर रखा जाता है, ये प्रयोग है। फेंग शुई और बुद्ध धर्म में माना जाता है कि चंदन की सुगंध बुरी आत्माएं दूर करती है और माहौल साफ और पवित्र करती है। इसकी सुगंध न केवल ताजगी लाती है बल्कि कुछ बीमारियों में भी बचाती है। बुखार होने पर आयुर्वेदिक उपचार में चंदन का पेस्ट माथे पर लगाने से बुखार कम पड़ जाता है। बच्चे जा चुके हैं और वो 4 बजे तक के लिए चले गए। अब मैं और मेरा फ़ोन, और मैंने चाय अपने लिए चढ़ा दी है, चाय पीऊँगी। किचन साफ कर डाला है और बर्तन इकट्ठे कर आई हूँ, बर्तन में फिर धोऊँगी। तो चाय पीती हूँ, नाश्ता जब करूँगी तो काम अभी ये वाला इस किस्त वाला संपन्न हो गया है। सुबह का काम मेरा संपन्न हो गया है। अब मैं थोड़ा सा मोबाइल पे टाइम दूंगी, मेरा ये भी तो काम है। और ये रात के हैं और ये सुबह ढेर लग चुका है, आइए मैं फिर दूंगी। तो मोबाइल पे मेरा भी काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है, पेंडिंग कुछ पड़ जाता है, अभी मैं भेज नहीं पाई हूँ तो उसमें टाइम दूंगी। होता ये जैसे बैठे तो बीच में उठना होता है तो सारा भूल जाते, फिर मुझसे नए सिरे से शुरू करना पड़ता, फिर बीच में उठना होता है, फिर नए सिरे से। और जब इत्मीनान से कायदे से बैठ जाए तो लग तो 2-3 घंटे जाते हैं इकट्ठा, लेकिन काम डन हो जाता है। तो ऐसे काम पड़ा रहता है, पेंडिंग में होता रहता है। तो मैं चाय पीती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ। अब शाम को मिलते हैं, बीच में मन हुआ तो फिर 4:30। बच्चे अभी आए नहीं, बच्चे अभी आए नहीं हैं, और मेरा खाना तो बन ही चुका है। दाल चावल सब्जी तो बनी ही रखी है, रोटी सेकनी है, दूध गर्म हो गया था। अब बच्चे आएंगे तो खिलाया जाएगा, बाकी ये डन है। और मैंने जब नाश्ता किया, मैंने 9 पे मेरा काम ख़त्म हुआ, साफ सफाई और सब करके बैठे, फिर आए तो थोड़े से बर्तन थे वो धोए बस। अब जब बच्चे आएंगे खाएंगे पिएंगे, अब शामी को खाएंगे क्योंकि नाश्ता करके गए थे, लंच लेके गए थे, अब आएंगे तो बस अब खा के एंड हो जाएगा। और मैं अपना वीडियो भी एंड करती हूँ, यहीं बैठी हूँ अभी, वहाँ थी। फिर मिलूँगी किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय सी यू, हैव अ गुड डे, नाइस डे।